तो ये है अपना ब्लू यैटी माइक्रोफोन। ये वन ऑफ द बेस्ट माइक है जो ज्यादातर यूट्यूबर्स यूज करते जाते हैं। यूट्यूबर्स इसको खरीदना चाहते हैं। 10,000 के अंदर ये माइक आता है और वही जो माइक मैं अभी यूज कर रहा हूँ ये आता है 30,000 रुपए का। ये एक वायरलेस माइक है और एक वायर्ड माइक है, यूएसबी माइक बोलते हैं इनको। और ये होता है वायरलेस माइक जो है रोड वायरलेस गो टू। डिफरेंस समझाऊं अगर आपको, 30,000-10,000 जो प्राइस का डिफरेंस है, 3 गुना प्राइस ज्यादा है। वहीं अगर हम इसकी ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो वो आपको कुछ ऐसी आएगी, और इसकी ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो वो कुछ ऐसी आएगी। फ़र्क कितना है ये आप खुद ही सुन सकते हो, और प्राइस का कितना डिफरेंस है ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसमें क्या ऐसी खास चीज़ें हैं जो आपको इसे बाय करना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इसका एक स्पेशल चीज़ है, 350,000 सब्सक्राइबर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, इसीलिए इस माइक का मैं गिव अवे करना चाहता हूँ। एक अच्छा माइक है, बहुत ही अच्छा माइक है कॉन्टेंट क्रिएटर्स के लिए। जितने भी गेमिंग चैनल हो गए, जितने भी स्ट्रीमिंग चैनल हो गए, ट्यूटोरियल चैनल हो गए, हर टाइप के चैनल के लिए ये माइक वन ऑफ द बेस्ट माइक है। मैंने भी यूज़ किया है, इसलिए मैं इस माइक का गिव अवे करना चाहता हूँ। किसी एक लकी विनर को ये माइक मिलेगा। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, बाकी सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। आप इस वीडियो को पूरा वॉच करो, इस माइक की डिटेल्स, इस माइक का रिव्यू, इस माइक के अंदर क्या क्या चीज़ आपको मिलेंगी, ये सब आपको इस वीडियो के अंदर पता लगने वाला है। और साथ ही गियर की डिटेल्स आपको वीडियो के एंड में मिलेगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब हम लोग अगर नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें वो है बॉक्स के अंदर आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हो। जब आप बाय करोगे, कोई भी इसको बाय करता है तो उसको बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है यूज़ करने के लिए इस माइक को। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये माइक मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा भारी माइक है, 1 kg से ज़्यादा का वेट होगा इसका, मतलब उठाने में मुश्किल। और दूसरी चीज़ आपको एक केबल मिल जाती है जिसको आप कनेक्ट कर सकते हो फिर इसको अपने लैपटॉप अपने पीसी के साथ में। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, आप इसको अपने स्मार्टफोन के साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो आपके पास ये सिस्टम होना ज़रूरी है। तो ये एक डाउनसाइड हो सकते हैं काफ़ी सारे लोगों के लिए जो सिर्फ स्मार्टफोन से अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं, स्मार्टफोन से अपनी एडिटिंग करते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी डिज़ाइन एंड क्वालिटी। इस माइक का डिज़ाइन कैसा है और इसकी क्वालिटी की बात करें तो कैसी है और आपको क्या क्या फीचर्स के अंदर मिलते हैं, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बहुत हैवी है, ये तो सिंपल चीज़ है। फ्रंट में आपको क्या मिलता है, 2 चीज़ें मिलती है। एक म्यूट का बटन मिलता है, उसके ऊपर ब्लू इनका लोगो रहता है, उसके नीचे एक नॉब रहती है जिससे आप ऑडियो कंट्रोल कर सकते हो। किस चीज़ की ऑडियो, इससे आप अपने हेडफोन लगा के ऑडियो सुन सकते हो। जो आप इस पर बोलते हो वो आपको अपने हेडफोन पर नजर आएगी। उसका भी आपको नीचे जैक मिलता है, यहाँ पर 3.5 mm का जैक जिससे अपना हेडफोन, अपना कोई भी ईयरफोन कनेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ आपको मिलता है यहाँ पर एक USB मिनी जैक कनेक्टर मिलता है जिसको आप कनेक्ट कर सकते हो अपने लैपटॉप के साथ, अपने सिस्टम के साथ। तीसरी चीज़ क्या मिलती है आपको नीचे, एक माइक स्टैंड मिलता है। स्टैंड लगाना चाहते हो माइक स्टैंड को अलग सा, तो उसको लगा सकते हो, लेकिन ये बहुत भारी माइक है तो आपको भारी भर का माइक स्टैंड चाहिए, मतलब महंगा चाहिए। और उसके नीचे आपको बेस में यहाँ पर एक ऑलरेडी स्टैंड आता है ब्लू यैटी की तरफ से, जो इसका वेट अच्छे से सह लेता है और अच्छी क्वालिटी का है। और बैक की तरफ बात करें तो 2 चीज़ें आपको मिलती है, 2 कंट्रोल्स मिलते हैं। सबसे ऊपर आता है गेन कंट्रोल, जिससे आप ऑडियो बढ़ा सकते हो, ऑडियो कम कर सकते हो। आप जितनी ज़्यादा ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो, जितनी ज़्यादा डेसिबल्स रिकॉर्ड करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग से बढ़ाओ और उसके अकॉर्डिंग से कम करो। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या मिलती है जो इसकी माइक की बेस्ट चीज़ है, वो है पोलर पैटर्न्स। पोलर पैटर्न्स अगर आपको नहीं पता पोलर पैटर्न्स क्या होते हैं, 4 पोलर पैटर्न्स आते हैं इसके अंदर। सबसे पहले कार्डियोइड, दूसरा आता है बाईडायरेक्शनल, ओमनीडायरेक्शनल, और चौथा स्टीरियो। 4 मोड आते हैं इसके अंदर, हर किसी का अलग अलग काम है। या मैं आपको आगे बताऊंगा कौन सा किस काम के लिए यूज़ आता है, लेकिन यहाँ से आप उनको चेंज कर सकते हो। आप जिस भी मोड पर डालना चाहते हो, इस वाले नॉब से आप उसको चेंज कर सकते हो कौन से मोड पर आपको डालना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे स्टीरियो मोड से, स्टीरियो पोलर पैटर्न से। उसमें क्या होता है, अब हम लोग जरा इसकी ऑडियो पर नज़र मारते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो आपके ठीक स्ट्रेट फ्रंट से आ रहे हो। अगर आपने हेडफोन लगा रखे होंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा, अगर नहीं लगा रखे हैं तो लगा लो हेडफोन या ईयरफोन कुछ भी, अब आपको पता चलेगा। अभी स्ट्रेट से आवाज़ आ रही है, अब अगर मैं राइट की साइड जाऊंगा तो आपको अपने राइट से आवाज़ आ रही होगी, और वहीं अगर मैं लेफ्ट से जाऊंगा तो आपको अपने लेफ्ट से आवाज़ आ रही होगी। तो ये खासकर कब यूज़ आएगा, ये आपके यूज़ आएगा जब आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हो। जब आप कोई म्यूज़िक रिकॉर्ड करते हो, आपने ऑडियो सुनी होगी, म्यूज़िक सुने होंगे, जब राइट से एक आवाज़ आती है फिर लेफ्ट से एक आवाज़ आती है, तो वो स्टीरियो मोड से ही होता है। अब यहाँ पर जो हमारा दूसरा मोड आता है वो आता है ओमनीडायरेक्शनल मोड। ओमनीडायरेक्शनल मोड कब यूज़ करा जाता है और किस तरीके से काम आता है, इसमें क्या होता है आपके चारों तरफ से आवाज़ें आती है। जो हम नॉर्मल माइक यूज़ करते हैं ना, बोया BYM1 माइक के जितने भी लेपल माइक आते हैं जो हम यहाँ कॉलर में लगाते हैं, वो ज्यादातर ओमनीडायरेक्शनल का माइक होते हैं। ये अपना माइक्रोफोन है, आप इसके चारों तरफ से जो भी कुछ बोलेगा उस सबकी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड होगी। अब इसके एक डाउनसाइड ये भी है कि आप कहीं पर भी हो, आपको सिर्फ अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, आप बाहर आउटडोर में हो तो आपको सामने वाली जो गाड़ी जा रही होगी उसकी भी आवाज़ आएगी। ये इसका एक डाउनसाइड है, लेकिन फायदा क्या है इसका, फायदा ये है जब आप किसी कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, जब आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों की ऑडियो रिकॉर्ड करनी है जो चारों तरफ बैठे हैं, तब इसका फायदा आप वहां पर इसको अच्छे से यूज कर सकते हो। बीच में रखा है, सारे लोग अपनी बातचीत कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड हो रहा है वो अच्छे से, तब वहां पर ओमनीडायरेक्शनल मोड बेस्ट है। अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊं, मैं कहीं से भी बोलूंगा सारी आवाज रिकॉर्ड करेगा, सब रिकॉर्ड। अब आता है अपना सबसे ज्यादा फेवरेट और सबसे ज्यादा बेस्ट मोड,
इस मोड में क्या है, ये मोड मैं स्टार्टिंग से यूज कर रहा हूँ, ज्यादातर यूट्यूबर्स इसी मोड को यूज करते हैं। अगर आप यूट्यूब खोल रहे हो ना, आप यूट्यूब चैनल चलाने वाले हो ऐसा ट्यूटोरियल टाइप, स्ट्रीमिंग टाइप, गेमिंग टाइप, तो इसी मोड को यूज करना है आपको। ये मोड कौन सा है? कार्डियोइड मोड। कार्डियोइड मोड में क्या है आपका, ये सिर्फ पिकअप करता है आपकी फ्रंट से ऑडियो, ये साइड का नहीं करता, लेफ्ट का नहीं करता, राइट का नहीं करता, बैक का नहीं करता, सिर्फ फ्रंट से करता है। ये मोड बेस्ट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा बेटर क्वालिटी आएगी आपकी, इधर उधर की नॉइज सारी हट जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी और फ्रंट ये अच्छे से पिकअप करेगा। तो इसको आपको यूज़ करना है अगर आप यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहे हो, कोई गेमिंग चैनल, ट्यूटोरियल चैनल, किसी भी टाइप का चैनल है जहाँ पर आपको अपनी आवाज़ सिर्फ रिकॉर्ड करनी है, तो ये मोड आपके लिए बेस्ट है। मैं भी इसी को यूज़ करता आया हूँ। अब आता है अपना सबसे लास्ट मोड, इस ये चौथा मोड है और लास्ट मोड है। इसमें क्या होता है, बाई डायरेक्शनल मोड। बाई डायरेक्शनल मोड क्या होता है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, सामने से अगर कोई और भी बोल रहा है ना, तो आसपास मतलब ऐसे में हम बात करेंगे, जो भी वो ऑडियो रिकॉर्ड होगी। अब ये किसके लिए खास कर सही है, जो इंटरव्यू करता है, डेस्क पे रखा है माइक अपना, यहाँ से फ्रंट में से मैं बोल रहा हूँ, पीछे से कोई और बोल रहा है, जिसको मैंने अपने जिसके साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ वो सामने से बोल रहा है, सारी ऑडियो कैप्चर होगी। और किसके लिए काम आएगा, सिंगर्स के लिए, जो सामने से ड्यूएट करते हैं, जो दो लोग एक साथ गाने गाते हैं, फ्रंट से किसी एक की ऑडियो रिकॉर्ड होगी, बैक एंड से किसी एक की ऑडियो रिकॉर्ड होगी। दिखाता हूँ, ये राइट से पिकअप नहीं करेगा, लेफ्ट से पिकअप नहीं करेगा, फ्रंट से करेगा और बैक से करेगा, दो जगह से करेगा, फ्रंट एंड बैक, लेफ्ट एंड राइट को हटा देगा। अब आती है हमारी फाइनल चीज कि इस माइक को कैसे बेस्ट तरीके से यूज किया जाए, कैसे इसका मतलब जो फाइनल आउटपुट आएगा उसको बेस्ट बनाया जाए, मतलब इस माइक का पूरा निचोड़ा जाए। सबसे पहली चीज आती है उसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है, लैपटॉप या फिर जो भी सिस्टम है आपका उसके साथ कनेक्ट करना है। दूसरी चीज आती है, एक ब्लू सॉफ्टवेयर आता है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको इंस्टॉल करना है। उसको इंस्टॉल करके क्या फायदा होगा, उसको इंस्टॉल करना है, इसको अपडेट करना है। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, इसके फ्रंट से आपको रिकॉर्ड करना है। जैसे सबसे पहली चीज रिकॉर्डिंग की बात करें, आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, आप चाहे तो Audacity यूज़ कर सकते हो जो एक फ्री सॉफ्टवेयर है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। दूसरा आप Adobe Audition यूज़ कर सकते हो, जो मैं भी यूज़ करता हूँ, वो भी ऐसा सॉफ्टवेयर है। Adobe Audition की अगर हम लोग बात करें, Adobe Audition में आपको क्या कर रहा है, सिंपल से अपना ऑडियो रिकॉर्ड करनी है। ऑडियो रिकॉर्ड करते आप तो एक चीज़ ध्यान रखनी कि आप जितना क्लोज रहोगे उतनी ज़्यादा बेटर क्वालिटी आएगी, और ये इसी माइक में नहीं हर माइक में होता है, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है, आप जितना ज़्यादा क्लोज रहोगे उतना ज़्यादा आपकी फूक भी आएगी, फूक की आवाज़ आती है जो फा बा बा सा ऐसे टाइप की आवाज़ें आती है, वो भी रिकॉर्ड हो जाती है जितना ज़्यादा क्लोज रहोगे। तो उसका एक उसके लिए एक चीज़ आप बाय कर सकते हो, जो होता है पॉप फिल्टर बाय कर सकते हो, अगर वो इसके ऊपर लगा दोगे तो वो चीज़ें नहीं होगी और बेटर ऑडियो क्वालिटी रिकॉर्ड होगी। नेक्स्ट चीज़ आती है, आप अगर बेटर क्वालिटी की ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो इसका जो गेन है, ये पीछे की तरफ जो गेन है, इसको जितना कम हो उतना कम रखो, जितना कम से कम रख सकते हो उतना कम रखो, उतनी ज़्यादा बेटर क्वालिटी आएगी, ये मैंने खुद से किया है। और सबसे लास्ट चीज़ जो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, वो है इसका कार्डियोइड मोड यूज़ करो, वो सबसे बेस्ट है। मैंने सारे मोड यूज़ करके देखे, किसी में वैसी क्वालिटी नहीं आती है जो आपकी कार्डियोइड मोड में आती है। तो हो सके तो वही मोड यूज़ करो, उसमें आपकी बेस्ट क्वालिटी आएगी और फाइनल में आप ऑडियो को एडिट भी कर सकते हो। ऑडियो एडिटिंग अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझको नीचे कमेंट में जरूर बताना, ऑडियो मैं कैसे एडिट करता हूँ अपनी वो आपको बताऊंगा, और आप भी कर सकते हो और इसी ऑडियो क्वालिटी को और बेटर कर सकते हो ऑडियो एडिट कर। अभी मैं आप लोगों को इस माइक की ऑडियो क्वालिटी सुनाया, तो जो फाइनल ऑडियो क्वालिटी आएगी जैसी मेरी आती थी और अभी आ रही है, ऐसी ऑडियो क्वालिटी आपको इस माइक के थ्रू मिल सकती है। ऑडियो एडिट कर रही है मैंने थोड़ी, और जो चीज़ आपको बताइए, माइक की क्लोज रहो, कार्डियोइड मोड यूज़ करो, ये सब चीज़ें करो, गेन कम से कम रखो, ये मैंने अभी करके रखा है। और अभी हम लोग फाइनल बात कर लेते हैं मेन चीज़ के बारे में, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेट कर रहे होंगे, और अगर आप यहाँ तक वॉच कर रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो। आप लोगों के लिए एक स्पेशल चीज़ है, जो है इस माइक का गिव अवे। तो अगर आप इस माइक्रोफोन के गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ तीन स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप, जो चैनल पे आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो, अक्ष वर्मा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर डालो अगर नहीं किया अभी तक, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दो। दूसरी चीज़ आती है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम पे जाओ, akshvarma नाम से मेरा यूजर नेम है, वहाँ पर आपको फॉलो करना है, फॉलो का बटन है उसको प्रेस कर दो। तीसरी और लास्ट चीज़ आपको जो करनी है, वहाँ पर मैंने इस माइक की एक फ़ोटो डाली है, दो चार फोटो डाली होंगी, उन फोटोज़ को लाइक कर देना। और साथ ही साथ एक लास्ट चीज़ आपको जो करनी है, जो ज़रूरी है, जिससे मैं आपको चूज़ कर पाऊँगा कि आप ही विनर हो, वो आपको ये करना है, कमेंट करना है उस पोस्ट पर। कमेंट करूँगा और मैं फिर रैंडम कमेंट पिकर जो टूल आता है उसके थ्रू किसी एक को पिक करूँगा और उसको ये माइक दे दूँगा। आप पार्टिसिपेट ज़रूर करना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा मेरे इंस्टाग्राम का। और ये माइक भाई बेस्ट माइक है, वन ऑफ द बेस्ट माइक है जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया अभी तक। इस माइक पर भी किया है और ऐसे बहुत सारे माइक पर किया है, 20,000 के मैंने रोड NTG भी लिया है, लेकिन ये माइक मेरा वन ऑफ द फेवरेट माइक है। 10,000 रुपीज़ में जो आपको चीज़ मिलती है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो ये माइक बेस्ट माइक है, अगर आप बाय करना चाहते हो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, गिवअवे पर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।